वेलकम टू द चैनल व्यूअर्स। आज गाड़ी में एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया है, जो अलॉय व्हील डलवाया था जिसके प्रीवियस व्लॉग्स में आपने देखा होगा, तो उसी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, गाड़ी हाथ खींच रही है। तो अब ले जा रहा हूँ नेक्सा, इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है, क्या डायग्नोस्टिक होता है इसमें। नेक्सा राना, नेक्सा जो तलावली चांदा पे, वहीं पर दिखाने जा रहा हूँ गाड़ी को, तो वहाँ पहुँच के दिखा दूँ क्या क्या प्रॉब्लम आई है। बाकी गाड़ी को एक वॉश भी करानी है प्रीमियम, तो वो भी दिखा देता हूँ आपको अभी कैसी दिख रही है। तो अभी बहुत गंदी हो रही है, वो दिखाता हूँ अभी बाहर जाके। ये कंडीशन है गाड़ी की अभी, इसको एक प्रीमियम वॉश देना है, नेक्सा पर जो होती है प्रीमियम वॉश, वो भी करानी है। बाकी ये जो अलॉय व्हील मैंने डलवाए थे, इधर ड्राइवर साइड वाले अलॉय व्हील में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, और पता नहीं वो क्या आ रही है, थोड़ा हाथ खींच रही है गाड़ी, बैलेंस में चल रही है। दिखाता हूँ ले जाके, वही पता चलेगा कि ये गाड़ी की कंडीशन है। रूफ देखो इसकी कितनी गंदी हो रही है, देखते हैं नेक्सा पे आज भी ऐसी वॉश होती है। मतलब मिट्टी पूरी जम जम गई है, पीछे का ग्लास देख लो इसका पूरा हालत इसकी। तो अभी नेक्सा पे चल के इसको एक वॉश करवाएंगे, और सबसे पहले तो इसके अलॉय व्हील की प्रॉब्लम डायग्नोस करवाएंगे। राना नेक्सा जाने के लिए एक शॉर्टकट है, यूँ तो मेन रोड मांगले एबी रोड से रास्ता भी है, पर मैं एक शॉर्टकट ले रहा हूँ क्योंकि अभी 11 बज रहे हैं, 11:30, तो अच्छी खासी भीड़ हो जाती है इस टाइम पे, और आज वर्किंग डे भी है, फ्राइडे, तो अभी एक शॉर्टकट लिया हुआ मैंने, वो दिखाता हूँ कहाँ से जाएगा वो शॉर्टकट। डायरेक्ट तो अलावली चांदा मिलेगा बाईपास से होकर। तो देखो ये शॉर्टकट यहाँ से आता है, आप जब भी बाईपास की तरफ से आओगे, टोल टैक्स देवास टोल टैक्स है इंदौर की तरफ, तो ये एक होटल आती है ग्रैंड एग्जोटिका, दिख रही होगी शायद आपको। तो यहाँ से ये जो अंडर पास है, यहाँ से आप राइट साइड में टर्न लेना है, डायरेक्ट आपको ए बी रोड निकालेगा। मैं दिखा देता हूँ इससे, ये सीधा आपको ए बी रोड घूमते हो, यहाँ से ए बी रोड आपको दिख रहा होगा यहाँ से, तो ये ले लेना अब आप। ये रास्ता यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ये डायरेक्टली जाके ए बी रोड पे मिलता है अपना तालाबली चांदा पे, बहुत शॉर्टकट रास्ता है, इसको लोगों तो बहुत ज़्यादा आपका वो बच जाएगा, बाईपास से डायरेक्ट एबी रोड चले जाओ। ऐसे बहुत लंबा डीपीएस स्कूल तक जाने की ज़रूरत नहीं है, उमेक सिटी वन होते हुए ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है इस रूट को आप लेते हो तो। यहाँ पे जीके ग्रीन से टाउनशिप भी आती है, तो ये आपको लैंडमार्क दिख जाएगा। एक्सोटिका होटल से डायरेक्ट राइट में ले लो आप, राइट वाला जो आता है, थोड़ा सा रॉन्ग साइड आना पड़ेगा आपको राना नेक्सा आने के लिए। ये राना नेक्सा का वर्कशॉप आ गया, थोड़ा सा रॉन्ग साइड हमेशा लेना पड़ेगा इस वर्कशॉप पे आने के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत लंबा टर्न है पूरा ऑलमोस्ट चौराहे तक जाने का। भैया सर्विस है, सर्विस सर्विस है, नहीं ये सर्विस में अभी इसमें अलाइनमेंट होना है, और अलाइनमेंट और चेक कराना है अलॉय व्हील इसका, और बाकी वॉशिंग है, फुल सर्विस नहीं है इसकी। आशीष हार्डिया जो सीधे है ना अपना वर्कशॉप, देखा हुआ था ना, ये नेक्सा पे आ गए अपन, वर्कशॉप भी है और सर्विस सेंटर भी है यहाँ पे। चलो अंदर चल के देखते हैं क्या डायग्नोस्टिक होता है यहाँ पे। एक लीजेंड दिखी मेरे को यहाँ पे, इस कॉल्ड ग्रैंड विटारा ओल्ड वन, इसको देखने के लिए तरस जाते लोग, अब एक टाइम लीजेंड हुआ करती थी है। तो ये नेक्सा का वर्कशॉप है पूरा, अच्छा है यहाँ पे, कस्टमर लॉन्च है इसमें, टीवी वगैरह चलती रहती है। एक ओल्ड मॉडल स्विफ्ट का अलॉय रखा हुआ दिखा है यहाँ पे मुझे। ये सर यहाँ पे गाड़ी पूरी इंस्पेक्ट कर रहे हैं नेक्सा राना नेक्सा पे, देखते हैं अभी क्या डायग्नोस्ट होता है इसमें। आपका नाम क्या सर? अभिनय सर हैं, यहाँ पूरा इंस्पेक्ट कर रहे हैं, अभी व्लॉग में देखना आप आगे। यहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी लगी नेक्सा की मुझे, राना नेक्सा स्पेशली, फुल प्रॉपर इंस्पेक्ट होती है गाड़ी, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अलॉय व्हील बड़े सेक्सी लग रहे गाड़ी के, अलाइनमेंट ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट में हो गया, गाड़ी में कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा गाड़ी धचका खाई थी, तो एक साइड का टायर और थोड़ा सा जो जंपिंग बुश होता है उसमें थोड़ा सा जर्क आया था, मैंने खोला और कर दिया। वर्कशॉप के अंदर की वीडियो भी बनाने दी है, बट सो के
सबकी अपनी अपनी पॉलिसी रहती है। अभी ये ट्रायल पर जा रहे हैं, देखते हैं ट्रायल पर क्या निकलता है। अलाइनमेंट करा है उन्होंने, अलाइनमेंट से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई पूरी। एक बार ट्रायल ले लेते हैं फिर देखते हैं, बताते हैं। वॉशिंग रेडी हो चुकी है गाड़ी, अंदर से इसकी हालत बहुत खस्ता हो गई है। मिट्टी जूता सब लगा हुआ है गाड़ी में, तो वॉश हो रही है। चार से पांच लोग लगे इसको वॉश करने में, नेक्सा पे ये प्रीमियम वॉश, इसीलिए इसको प्रीमियम वॉश बोलते हैं। ये ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीन है, यहाँ पे होगी पूरी गाड़ी वॉश, जब होगी तो बताता हूँ। प्रीमियम वॉश कर रहा है गाड़ी को, जाएगी शैम्पू के लिए गाड़ी, शैम्पू के लिए जाएगी। ये भाई साहब ले आ रहे हैं, क्या नाम भैया आपका? अभिषेक, अभिषेक नाम है भैया का। अभिषेक भैया चैनल वालों को हाय बोल दो एक बार, ले जाओ। बस एक स्विफ्ट खड़ी आगे, ये निकल जाएगी तो अपनी गाड़ी इंटर हो जाएगी। पहले गाड़ी पे पानी लग रहा है, उससे पूरी की पूरी डर्ट हट जाएगी गाड़ी की। तो ये पूरा ऑटोमेटिक होता है, रोबोटिक मशीन है, तो ऊपर देखो मशीन है। एक बंदा बस इसको चालू कर दे और ये पूरा ऑटोमेटिक कर लेता है अपने आप ही। इसके बाद इसको शैम्पू डलेगा। अंडर बॉडी वॉश हो रही गाड़ी की, इसको पाइप से ही करना पड़ता है मैनुअली, क्योंकि जो नीचे वाली रोबोटिक मशीन है वो आज तक वर्क नहीं कर रही है। धूल और कीचड़ देखो कितना निकला है। किसी टाइप से चारों टायर की हो जाएगी है, और बाकी जितना भी अंडर बॉडी इसमें डस्ट डर्ट है कीचड़ है सारा निकल जाएगा। आप जब तक अंदर चाय कॉफी नहीं हो जाए तो करवाई दे यार, थोड़ा सा लंच का टाइम सीखते ना, तभी तो करवा दे। अब देखो इससे पहले आपकी लगवा दी थी नंबर उठा दे। शैम्पू वॉश ऑलमोस्ट हो चुका है, शैम्पू लग गया गाड़ी पर पूरा, आगे से लेकर पीछे तक बढ़िया शैम्पू लग गया था। ये ऑपरेट यहाँ पर होती है मशीन, पूरा शैम्पू लग गया। और ये पूरा टचलेस शैम्पू है, इसमें बंदे को टच करने की ज़रूरत नहीं, खुद ही स्प्रेड होगा, पूरे डर्ट खुद ही निकल लेगा। वैसे तो ये शैम्पू टचलेस होता है, लेकिन फिर भी ये लोग इसको थोड़ा स्प्रेड कर देते हैं, क्योंकि स्प्रेड करने से थोड़ी ज़्यादा ही क्लीन हो जाती है गाड़ी, शाइन अच्छी आ जाती है। थोड़ी बहुत कहीं डर्ट रह जाए तो वो भी निकल जाती है। दो दो तीन तीन लोग लग गए इसको चमकाने के लिए। ये होती है सर्विस, प्रीमियम वॉश का पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, 800 रुपये लगता है इसका, और इंटर अंडर वॉश का 300 रुपये, ऑलमोस्ट 1100 रुपये की ये वॉश होती है नेक्सा पे। लेकिन गाड़ी क्वालिटी वॉश होती है, इवन इसका इंजन तक तो पूरा शैम्पू वॉश करते हैं। देखो इवन इसका इंजन भी शैम्पू वॉश होता है पूरा। बस ये 2 मिनट में पूरी की पूरी गाड़ी क्लीन हो जाएगी, ये पानी चला इसका पूरा इंजन पे भी इसकी शैम्पू वॉश करी है। जब भी आप गाड़ी वॉश करवाओ तो एसी टाइप से करवाओ पूरी, इसमें क्या गाड़ी भी अच्छे से वॉश होती है, इंजन वगैरह सब पूरी डर्ट निकल जाती है सारी, टोटल ओवरऑल वॉश। तो एक बार आगे से पीछे गया है रोबोटिक, इसके जो लाइनर्स लगे पानी मारते हैं, और एक बार पीछे से आगे तक आएंगे पूरी गाड़ी वॉश, 20 मिनट में पूरी गाड़ी की आपकी चमचम आ जाएगी। यहाँ नेक्सा का कस्टमर लॉन्च है एक और, जहाँ पे कस्टमर वर्कशॉप पूरा देख सकते हैं।
ऐसे पूरी गाड़ियाँ दिखती है। अपनी गाड़ी तो खैर होके चली गई ऐसे, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पे। नेक्सा को डिफरेंट यही चीज़ बनाती है एरिना से, यहाँ पे काफ़ी मतलब अलग ही है। कस्टमर हॉस्पिटलिटी का काफ़ी ध्यान रखते हैं ये लोग, इसीलिए इसको बिल्कुल एरिना से अलग बनाती है नेक्सा को ये चीज़। ठीक, क्या नाम आपका भैया? अमन कुमार सिन्हा। ये अमन भैया हैं, ये काफ़ी अच्छे से मेंटेन करते हैं यहाँ की हॉस्पिटलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखते हैं, कस्टमर को स्नैक्स कॉफ़ी वगैरह यही सर्व करते हैं। नेक्सा की कॉफ़ी, नेक्सा की कॉफ़ी अमन भैया ने पिलाई। नेक्सा पे आए हो तो ये एक चीज़ है कि मेरे को बहुत अच्छी लगी, आपकी गाड़ी के लाइनअप से यहाँ पे कस्टमर लॉन्ज में पूरा चलते रहते हैं। व्हीकल स्टेटस डिस्प्ले जो है यहाँ पे, तो अपनी गाड़ी का स्टेटस पूरा यहाँ पे आप बैठे बैठे देख सकते हो कि कहाँ चल रही है, क्या चल रहा है, वॉशिंग चल रही है, रेडी हो गई है, फुल इंस्पेक्शन हो चुका है। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है इसमें, यहाँ पे इसमें पूरा स्टेटस दिख जाएगा, गाड़ी का वॉशिंग है, फुल इंस्पेक्शन हो चुका है, रेडी है। स्टेटस जैसे डीले हो रहा है तो डीले आ जाएगा, ऑन टाइम आ जाएगा, नाम लिखा हुआ आ जाएगा, गाड़ी का नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे। और सामने आपका नाम भी लिखा आ जाएगा जो अटेंडर है उसका भी, इस तरफ पे और इस तरफ पे आपका नाम आ जाएगा गाड़ी नंबर के साथ में। ये ऊपर स्टेटस है पूरा गाड़ी का, क्या स्टेटस है, फुल इंस्पेक्शन, वॉशिंग, रेडी स्टेटस, ये चीज़ें। फाइनली गाड़ी ऑलमोस्ट पूरी रेडी हो चुकी है वॉश होकर, क्लीनिंग चल रही है अंदर बाहर की। देख सकते हो यहाँ पे लगभग 4 लोग हैं यहाँ पे जो क्लीनिंग कर रहे हैं अंदर बाहर सब जगह से। तो बढ़िया चमका दी गाड़ी को एकदम। यही चीज़ यहाँ पे अच्छी मिल जाती है कि थोड़ा टाइम पे काम हो जाता है, 4-5 लोग एक साथ करते तो फास्ट हो जाता है। तो बढ़िया काम हो गया यहाँ पे गाड़ी का। तो अलाइनमेंट की प्रॉब्लम थी इसमें, अलाइनमेंट आउट हो गया था एक साइड के टायर का, ऑलमोस्ट पूरी डायग्नोस हो चुकी है गाड़ी। इसके अलावा जैसे वॉशिंग भी हो चुकी है, तो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू राना नेक्सा। एंड अच्छी सेटिस्फैक्ट्री सर्विस थी, अगर आपको भी अगर सर्विस करानी है तो राना नेक्सा पे आओ, नेक्सा की कोई गाड़ी हो आपके पास तो बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ का। हॉस्पिटलिटी से लेके मैकेनिकल वर्क्स और एवरीथिंग मेरा है 3rd टाइम है यहाँ पर। और अच्छा, वॉशिंग भी बहुत अच्छी हुई है। अभी वॉशिंग दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा रोड पे निकल के बाहर अंदर दोनों तरफ की कैसी वॉश हुई है।